नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, राधे राधे, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। हाँ साथियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी, नए सिरे से, नए तरीके से, नए अपडेट के साथ। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राज्य के विधानमंडल की, आज उसी क्रम में हम बात करेंगे जो कि विधान परिषद। आज किसकी बात करेंगे? विधान परिषद, जो कि हम देखते हैं राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, द्वितीय सदन जो होता है, विशिष्ट सदन जो होता है, आज उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। विधान परिषद, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर विधान सभा की संरचना देखी थी, आज हम बात करेंगे विधान परिषद की। याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना बताई गई है साथियों। गौर करना, अनुच्छेद 171 जो कि हमने देखा, अनुच्छेद 170 में विधानसभा थी राज्यों की, जबकि यहां हम बात करेंगे विधान परिषद की, जो कि भारत के वर्तमान में 6 ही राज्यों में है। ये विधानमंडल का द्वितीय सदन, उच्च सदन, विशिष्ट सदन, आप ये कह सकते हो स्थायी सदन, जो कभी भंग तो नहीं होगा लेकिन समाप्त किया जा सकता है। गौर करना साथियों, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था अनुच्छेद 169, जो कि विधान परिषदों राज्य की, जो राज्य के अंदर ना राज्यों की विधान परिषदों का उच्च सदन या सर्जन संसद करेगी, ऐसा हमने देखा था अनुच्छेद 169 के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि राज्यों की विधान परिषदों का उच्च सदन या सर्जन। गौर करना, जो कि राज्यों की विधान परिषदों का उत्सादन या सर्जन, ये शब्द है। गौर करना साथियों, जो टाइटल दिया हुआ है इसके अंदर अनुच्छेद 169 में, राज्यों की विधान परिषदों का उत्सादन या सर्जन कौन करेगी? संसद। लेकिन उस राज्य की विधानसभा है ना, उसके कुल सदस्यों का और उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3, कम से कम 2/3 से बहुमत पारित होना चाहिए। उस प्रस्ताव के आधार पर ही संसद उस राज्य में विधान परिषद का उत्सादन कर सकती है, बनी हुई है तो समाप्त कर सकती है, या फिर बना सकती है, सर्जन कर सकती है। कौन? संसद, भारत की पार्लियामेंट। आई बात समझ में? तो आज हम उसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों, विधान परिषद की। वही बात है जैसे हमने विधानसभा के बारे में देखा था, वो टॉपिक तो क्लियर हो गया ना, वो वीडियो देखा होगा आपने, उस क्लास को अच्छी प्रकार से देखा, समझा और सुना है ना, तो ये आपके एकदम अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, क्यों? उससे जुड़ा हुआ है, राज्य विधानमंडल का ही तो दूसरा सदन है ये, दूसरा अंग कह दो, दूसरा सदन कह दो। हां जी, सबसे पहले नंबर 1, नामकरण, किसे किस किस नामों से जाना जाएगा, उपनाम भी हम कह सकते हैं। जैसे कि राज्यसभा के जो नाम हैं देश के अंदर, वही नाम राज्यों में विधान परिषद के है, चाहे वो सभी राज्यों में नहीं है लेकिन जिस राज्य में है ना, वहां पे उसका नाम वही है जो राज्यसभा के, कैसे? द्वितीय सदन, उच्च सदन, विशिष्ट सदन, स्थायी सदन, अनुभवी लोगों का सदन, बुद्धिजीवियों का सदन, गौर करना, अनुत्तरदायी सदन, अप्रत्यक्ष चुनाव वाला सदन, इसी को कहा जाएगा। गौर करो साथियों, आ रही है ना बात समझ में? हां जी। उसके बाद में नंबर 2, सदस्य संख्या, सदस्य संख्या कितनी होगी,
क्वांटिटी उसके बारे में देखेंगे विस्तार से। सुनना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये टॉपिक समझ में ही नहीं आता कि इनका चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल कैसे होता है, किस तरीके की व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान में तो ये है ही नहीं, इसलिए हमें बहुत कम इसका नॉलेज है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में अच्छी प्रकार से सुनना, देखना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए उपयोगी होगा। जब भी आप कोई कंपटीशन दोगे, भारतीय राजव्यवस्था होगी, तो ये टॉपिक जरूर होगा। राज्य सरकार में राज्य व्यवस्थापिका, राज्य का विधानमंडल, आई बात समझ में? क्लियर है? तो आज हम उसी की संरचना देख रहे हैं, गठन देख रहे हैं, जो कि अनुच्छेद 171 में है। इसके बाद में जो भी प्रोसेस है वो विधानसभा की तरह ही है, चाहे योग्यता को लेकर के, चुनाव को लेकर के, अवधि को लेकर के, गणपूर्ति को लेकर के, अधिवेशन को लेकर के, वही अनुच्छेद आएंगे। केवल सभापति और उपसभापति वाले चेंज हो जाएंगे और वही अनुच्छेद होंगे जो विधानसभा वाले हैं, क्योंकि राज्य विधानमंडल की संरचना है वो, तो इसलिए विधानसभा भी उसमें और विधान परिषद भी जिस जिस राज्य में है, क्योंकि 6 राज्यों में है। आपने देखा था कुंभ बात, ये हमने पिछले वीडियो में क्लियर भी किया था। हाँ जी, नंबर 3, चुनाव, चुनाव या निर्वाचन, चुनाव या निर्वाचन, ये इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है जो ध्यान में रखना है। नंबर 4, योग्यता, योग्यता ध्यान देना, रहता ही वही अनुच्छेद होगा जो विधानसभा वाला है। गौर कर लेना, कितने नंबर याद करो साथियों, कौन सा होगा यहां पे? 173। हां जी, नंबर 5, जो कि आप देखोगे शपथ, सेम वही होगा, याद करो अनुच्छेद 188। हां जी, उसके बाद में नंबर 6, आप कहोगे कार्यकाल, अवधि, कार्यकाल, अवधि, वही अनुच्छेद होगा, गौर करो अनुच्छेद 172, विधानसभा वाला ही, क्योंकि दोनों ही सदनों की बातें लिखी है उन अनुच्छेदों में। गौर करो साथियों, आ रही है ना बात समझ में? पल्ले पड़े को नहीं पड़े ये बता दो साथियों, जो आप भारतीय राजव्यवस्था नए सिरे से, नए तरीके से, नए अपडेट के साथ पढ़ रहे हो। हालांकि आपने पहले बुकों में, गाइडों में, नोट्स में, कोचिंगों में पढ़ा होगा, लेकिन वहां पे कुछ बातें आपके डाउट में रही, अब वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मैं दावा करता हूं। और मेरे को विश्वास भी है कि ये टॉपिक आपके एकदम क्लियर हो जाएगा साथियों, गौर करो। हाँ जी, उसके बाद में नंबर 7, जो कि अधिवेशन, सेम वही होंगे अधिवेशन। उसके बाद में नंबर 8, गणपूर्ति, सेम वही होगी, ध्यान देना, कोरम। और उसके बाद में आ गए वेतन, वेतन, भत्ता, सेम वही होगा। और आप कहोगे सभा पति और उप सभा पति, ये लो, ये पॉइंट अपने को तैयार करना है, जो इनका मैटर होगा वही अति महत्वपूर्ण होगा, उसे ही तो हमें तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आएंगे कंपटीशन के अंदर, पेपर के अंदर। तो साथियों, इसको अच्छी प्रकार से सुनना और देखना, हो सकता है छोटे लिखे हुए होंगे तो आपको स्पष्ट ना दिखे, लेकिन सुनना जरूर, जो मैं बोल रहा हूं वो बातें क्लियर कर लेना और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लो जो आपके भी काम आएंगे। और आगामी भविष्य में आपके छोटे भाई बहन है ना जो पढ़ रही हैं, उनके भी काम आएंगे। भारतीय राजव्यवस्था का जो संरचना ढांचा है वो तो वही रहेगा, हाँ कुछ बातें अपडेट करनी पड़ेगी, वो एक अलग बात है। एक बार पकड़ कर लो भारतीय राजव्यवस्था पे, जो आपके पूरे ताउमर जिंदगी भर ये मानो काम आएगी, बस कुछ अपडेट के साथ रहना पड़ेगा, इतना जरूर है।
जबकि संरचना जो है ना, इसका जो ढांचा है ना, वो तो वही रहेगा जो अम्बेडकर ने संविधान लिखा वही तो है, ये तो नहीं कि उसको चेंज, हाँ उसमें संशोधन परिवर्तन बदलाव जरूर हो जाता है, ये जरूर है। गौर करना साथियों, तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि राज्य विधान परिषद जो कि 6 ही राज्यों में है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, कितने राज्यों में? 6 ही राज्यों में है, याद रखना। अब देखो सबसे पहले नामकरण, याद रखना नामकरण या उपनाम राज्यसभा वाले ही होंगे जो कि द्वितीय उच्च विशिष्ट और स्थायी सदन, अनुभवी लोगों का सदन, द्वितीय सदन, उच्च सदन, विशिष्ट सदन, स्थायी सदन, जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन 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 समाप्त होगा, उस सदन जरूर कर देगी संसद। गौर करना अनुभवी लोगों का, बुद्धिजीवियों का, गौर करना जो कि अनुत्तरदायी सदन है ये विधानमंडल का। गौर करना विधानमंडल का द्वितीय सदन विधान परिषद, विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद, विधानमंडल का विशिष्ट सदन विधान परिषद, स्थायी सदन विधान परिषद, अनुभवी लोगों का याद रखना कौन सा होगा? विधान परिषद होगा, ठीक है। अब देखो सदस्य संख्या, गौर करना जो कि अनुच्छेद 171 में ही बताई गई है, 171 में ही बताई गई है, ध्यान रखना। विधान सभा की एक तिहाई से अधिक नहीं होगी तथा 40 से कम भी नहीं होगी। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है जो कि विधानसभा उस राज्य में जहां विधान परिषद बनानी है, उस विधान परिषद में विधानसभा की एक तिहाई 1/3 100 में से 33 से अधिक नहीं होगी। गौर करना तथा 40 से कम भी नहीं होगी, ये बात लिखी हुई है 171 के अनुच्छेद में। गौर करना साथियों, जैसे कि राजस्थान की बात की जाए, अगर राजस्थान में बनती है तो याद रखना 200 और 200 के एक तिहाई है ना, वो याद रखना कितने होंगे? 67 होंगे। अगर राजस्थान में बनती है तो 67 सदस्य होंगे, 40 से कम नहीं होंगे। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था, अब नहीं है, अपडेट हो जाना इस बात पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो अब इसे हटा दिया गया है, अब हटा दिया गया है, जो कि वर्तमान में आपने देखा कुंभ बात इनके अंदर ही तो है, जो कि कर्नाटक, याद रखना उत्तर प्रदेश, जबकि महाराष्ट्र, उसके बाद में बिहार, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में तेलंगाना। गौर करो साथियों, जबकि कर्नाटक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें, जो कुछ बुके 100 कुछ बुके 99 बता रही है, जो कि महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75 और कर्नाटक में भी 75, आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40, ये सीटें हैं यहाँ पे विधान परिषद की। गौर कर लेना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, मैंने पहले भी बता दिया विधानसभा वाले में भी, याद है क्या? उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, नोट करना। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश आएगा, सबसे कम पूछा जाए तो तेलंगाना 40, जबकि पहले जम्मू कश्मीर था 36, लेकिन अब नहीं है, अपडेट हो जाओ प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, अब ये हो जाएगा। तो ये संख्या आप देख सकते हो 40 से कम नहीं है किसी की भी, तो इन संख्याओं को जरूर तैयार कर लेना, जो अधिकतम है ना उसको तो जरूर तैयार करना, और ये सबसे कम में मान सकते हो आप, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि यहां पर 99 एक तिहाई अधिकतम हो सकती है,
जरूरी थोड़ी है उससे कम भी हो और 40 से अधिक भी तो हो सकती है, इसलिए यहां पर आप कहोगे एक तिहाई जरूरी नहीं है, ये तो अधिकतम होगी एक तिहाई तो, ठीक है, क्लियर है। आगे बात समझे तो इसको जरूर तैयार कर लेना। 171 में ही आप देखोगे इसके चुनाव या निर्वाचन के बारे में बताया गया है, निर्वाचन के बारे में बताया गया जो कि कह आप देखोगे ख उसके बाद में गह और घ और अड़ इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, एक बात तो ये याद रखना, ठीक है ना, जो कि इनका तो अप्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष, जबकि यहां पे होगा मनोनयन, मनोनयन मनोनीत होंगे, ध्यान रखना राज्यपाल के द्वारा। गौर करना साथियों इसको समझना, जो कि 1/3 सदस्यों, एक तिहाई तीसरा भाग 1/3 सदस्यों को स्थानीय स्थानीय निकाय के सदस्य चुनेंगे। गौर करना 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय के सदस्य चुनेंगे, जो कि हम कहते हैं कि सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, बोर्ड के जो सदस्य ना वो चुनेंगे 1/3 100 में से, ये ध्यान रखना, जो कि तीसरा हिस्सा कितना 33, कितना होगा 33। उसी प्रकार 1/12 बारवां भाग, 100 का बारवां भाग 1/12 सदस्यों, 1/12 सदस्यों को शिक्षक चुनेंगे, ध्यान रखना, जिनको 3 वर्ष माध्यमिक पाठशालाओं में पढ़ाते हुए हो गई, उन शिक्षकों का एक मंडल बनेगा, क्योंकि मैंने कहा ना अप्रत्यक्ष एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है इनका चुनाव, तो याद रखना 1/12 सदस्यों को शिक्षक अध्यापक चुनेंगे, ठीक है, उसके बाद में 1/12 सदस्यों को छात्र चुनेंगे जो विश्वविद्यालय की 3 वर्षीय डिग्री, जैसे कि बीए बीसीए बीकॉम बीसीए बीबीए, जो बैचलर डिग्री है ना वो छात्र चुनेंगे, उनका एक मंडल बनेगा, वो चुनेंगे 1/12 बारवां भाग, 100 का बारवां भाग चुनेंगे, गौर करना। और 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, गौर करना विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, लेकिन अपने में से नहीं होंगे, वो विधानसभा सदस्य नहीं होने चाहिए, 1/3 कहने वाला तीसरा भाग 100 का कितना 33, गौर करो 1/3 जो कि स्थानीय निकाय के सदस्य, वहीं 1/12 शिक्षक अध्यापक चुनेंगे, एक मंडल बनेगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा डायरेक्ट अप्रत्यक्ष होगा, जबकि 1/12 सदस्यों को छात्र चुनेंगे जिन्होंने 3 वर्षीय डिप्लोमा जो कि विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है ना, उनका एक मंडल बनेगा जो कि छात्रों का स्टूडेंटों का, और उसी प्रकार 1/3 सदस्यों का को विधानसभा के सदस्य विधायक चुनेंगे उस राज्य के, 1/3 33 तीसरा हिस्सा आप कह सकते हो, 100 का तीसरा जो हिस्सा होगा वो चुनेंगे, गौर करना अति महत्वपूर्ण है, एक तिहाई 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, अपने में से नहीं होंगे, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत बार आता है, तो इस प्रकार से ये तो हो जाएगा 5/6 अप्रत्यक्ष चुनाव, जबकि यहां पर ध्यान रखना 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा, ये अति महत्वपूर्ण है, 1/6 सदस्यों को 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा, गौर करना साथियों, जो कि कौन होंगे, शा वी क से ये होंगे 5 क्षेत्र के, राज्यसभा में 4 है, गौर करना यहां पे होगा साहित्य विज्ञान कला और उसके बाद में यहां एक नाम और है सहकारी आंदोलन और ये हो जाएगा समाज सेवा, इन 5 क्षेत्रों में जो अनुभवी व्यवहारिक नॉलेज वाले जो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ है ना उन्हें ही राज्यपाल मनोनीत करेगा,
एक बटा छ को। तो याद रखना विधान परिषद में निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। ये एक बटा छ का मनोनयन होगा और पांच बटा छ का अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। आई कुछ बात समझ में? गौर करो, विधान परिषद की चुनाव निर्वाचन इस तरीके से होगा सदस्यों का, जो कि एक बटा तीन सदस्यों को स्थानीय निकाय के सदस्य चुनेंगे 33 में से, जबकि एक बटा बारह सदस्यों को शिक्षक चुनेंगे जिन्हें 3 वर्ष माध्यमिक पाठशालाओं में पढ़ाते हुए हो गए, वो शिक्षकों का एक मंडल बनेगा। और एक बट्टा 12 सदस्यों को छात्र चुनेंगे जिन्होंने 3 वर्षीय डिप्लोमा कर लिया हो, बैचलर डिग्री किसी विश्वविद्यालय से वो होंगे। एक बट्टा 3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, लेकिन अपने में से नहीं होंगे। गौर करना, एक बट्टा 3 का मतलब है 1/3, 3300 में से, 100 में से कितने होंगे 33 होंगे, गौर करना। और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा, ये क्रम भी याद कर लेना, ये क्रम भी दे रखा है, इसी के अंदर है। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है, और ये भी मैं बता रहा हूं संविधान के अकॉर्डिंग है, बैरक एक्ट जो है ना उसके अकॉर्डिंग है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं नए सिरे से नए अपडेट के साथ, तो इन्हें जरूर तैयार कर लेना। इसमें ये ज्यादा आता है, अति महत्वपूर्ण है, या फिर ये आता है। गौर करना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा के कितने सदस्य ये मानो निर्वाचित किए जाते हैं इसके द्वारा, इसके सदस्य द्वारा 1/3 सदस्य, 1/3, 33, ठीक है। आगे देखो, योग्यता सेम वही होगी जो कि मैंने बताया था ना, 173वीं योग्यता है, 30 वर्ष न्यूनतम आयु कितनी होगी 30 वर्ष, वही भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं पूरी कर चुका हो, सेम विधानसभा वाली, लेकिन यहां आयु याद रखना 30 है, विधानसभा में कितनी थी 25 थी, ठीक है। आगे में पल्ले पड़े को नहीं पड़े, क्लियर है ना, ठीक है, ठीक है, चले आगे। चलो देखो, उसके बाद में शपथ, राज्यपाल, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति, सीधी सी बात है सभापति कौन दिलाएगा, सभापति दिलाएगा व्यवहार में, सेम वही बात है विधानसभा की तरह। गौर कर लेना, राज्यपाल जो कि किसमें अनुच्छेद 188 में, वही है दोनों की, गौर करना 188 राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति सभापति व्यवहार में, ठीक है। उसके बाद में कार्यकाल याद रखना 172 में है, ठीक है, कार्यकाल यह एक स्थाई सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, याद रखना यह कभी भी भंग नहीं होती, लेकिन समाप्त हो सकती है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, जबकि राज्यसभा ना वो स्थायी सदन है, याद रखना उसका भी कोई कार्यकाल नहीं है, और वो कभी भंग भी नहीं होती, लेकिन वो समाप्त भी नहीं होती, जबकि ये समाप्त हो सकती है, ये अंतर तो जरूर याद रखना है। यह एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं, कार्य यहाँ पे कार्यकाल नहीं होता, ये कभी भी भंग नहीं होती, लेकिन समाप्त हो सकती है, ये धारणा। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, यह प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों को रिटायर्ड करती है और उनकी जगह नए आ जाते हैं, और पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वही राज्यसभा की तरह ही है। गौर करना, जबकि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, ये प्रति 2 वर्ष बाद,
प्रति दो वर्ष बाद, सदस्य तो छह ही वर्ष रहेंगे, गौर करना, फिर देखेंगे दो वर्ष बाद किसके छह वो बाहर, फिर दो वर्ष बाद देखेंगे छह किसके वो बाहर, फिर दो वर्ष बाद उसी की बारी आ जाएगी राउंड फिगर में, जो कि छह और दो दोनों ही सम संख्या है, राउंड फिगर में चलते रहेंगे, गौर करना साथियों। सदस्य रिटायर करेगी सेवानिवृत्त और उसकी जगह नए आ जाएंगे, जबकि इसका विघटन नहीं होगा, समाप्त हो सकती है, विधानसभा की तरह विघटित नहीं होगी। विधानसभा और विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष लेकिन अनिश्चित, जबकि यहां विधान परिषद का तो कोई कार्यकाल नहीं होता, याद रखना कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होगा, ठीक है। उसके बाद में अधिवेशन, जो कि 174 में अधिवेशन जो कि कितने होंगे, एक वर्ष में दो होंगे और दोनों सदनों के साथ में होंगे, संयुक्त नहीं, कहने के लिए जब विधानसभा का चलेगा उसी समय विधान परिषद का भी चलेगा, गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। गणपूर्ति जो कि 189 में है, ध्यान रखना 1/10 या कम से कम 10 सदस्य, सेम वही है, जबकि इसमें देख लो सभी की कितनी आएगी, 10 सदस्य ही आएगी, क्योंकि 1/10 वाला नियम तो लागू ही नहीं होता, वो तो 100 के बाद होगा, जबकि ये नहीं कि आप कहोगे जैसे 40-4, ना जी ना, कितने होंगे 10 ही होंगे, आप कोई 50-5, ना जी ना, कितने होंगे 10 ही होंगे, क्योंकि ये देखो 1/10 दसवां भाग होगा उसका, या फिर कम से कम 10 सदस्य होंगे, ठीक है। और उसके बाद में वेतन भत्ता, ध्यान रखना समय पर और कौन से में 195 में है, गौर करना साथियों, जो कि दोनों का बराबर है सदस्यों का, जहां दोनों होगी राज्य में वहां पे समय समय पर विधान मंडल तय करेगा, वही वेतन भत्ता मिलेगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा, ठीक है। और उसके बाद में सभापति सदस्य, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, गौर करना, सदस्य अपने में से चुनेंगे, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जबकि राज्यसभा का सभापति तो होगा भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, जबकि यहां पर याद रखना सभापति और उपसभापति दोनों सदस्य अपने में से चुनेंगे, गौर करना, अनुच्छेद 182 में है, दोनों की बातें सभापति और उपसभापति, वैसे याद रखना जो कि 182, 183, 184 और 185 इसके अंदर सभापति और उपसभापति संबंधी बातें बताई गई है, गौर कर लेना, वैसे मेन 182 होगा, मैंने वो कौन सा होगा 182 होगा, और इनका वेतन जो बताए ना, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का, वो बताए 186 के अंदर बताए, और 187 में इनका सचिवालय बताया है, विधानमंडल के सदनों का सचिवालय, आप देखोगे कितने में 187 में सचिवालय, विधानमंडल के सदनों के सचिवालय, 208 में नियम प्रक्रिया का उल्लेख है, वहीं 210 में इनकी भाषा विधानमंडल की बता रहा हूं, गौर करना, विधानसभा से विधान परिषद भाषा कार्यवाही की अंग्रेजी या हिंदी होगी, हाँ उस सदन का अध्यक्ष है ना वो अनुमति दे तो मातृभाषा में भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा भी लिखा हुआ है, और वहीं याद रखना 211 में कहा है कि विधानमंडल जो उच्च न्यायालय राज्य के न्यायालय ना उनकी कार्यवाही में
कोई चर्चा नहीं करेगा, उनको न्यायाधीशों को संबंधित कोई मामला तो अलग बात है, अन्यथा नहीं करेगा। गौर करना। और 212 में ध्यान रखना, जो कि विधानमंडल की कार्रवाई है ना, उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, उच्च न्यायालय। गौर करना, इसमें तो लिखा है कि विधानमंडल न्यायालयों की कार्रवाई में बाधा नहीं डालेगा या कार्रवाई में भाग नहीं लेगा। विधानमंडल न्यायालयों की कार्यवाही में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं, चर्चा भी नहीं होगी। जबकि यहां पे काहे की न्यायालय विधान मंडल की कार्यवाही की चर्चा नहीं करेंगे। भी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है विधानमंडल में, दोनों ही बड़ी है। 211 तो कहता है कि विधानमंडल न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, भी न्यायालय कैसे काम करेंगे, आई क्या बात समझ में। और 212 में कहा है कि न्यायालय कुछ भी ऐसी चर्चा निर्बंधन होगा कि वे विधानमंडल की कार्रवाई की चर्चा नहीं करेंगे, कि विधानमंडल के सदनों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आई क्या बात समझ में। तो ये अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। हम बात कर रहे थे राज्य विधान परिषद की, जो कि कितने राज्यों में, 6 ही राज्यों में है। गौर करना, 6 ही राज्यों में है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है ना। कुंभ बात आगे बात में 171 में विधान परिषदों की संरचना बताई है, कैसे होगा विधान परिषद उस राज्य में, उसके बाद में नामकरण या उपनाम, द्वितीय सदन होगा, उच्च सदन होगा विधानमंडल का, गौर करना, और विशिष्ट सदन होगा, स्थायी सदन होगा, सदस्य संख्या जो कि विधानसभा की एक तिहाई, ये नोट करना, एक तिहाई से अधिक नहीं होगी अधिकतम, तथा 40 से कम नहीं होगी। अगर राजस्थान में होती है तो 200 का एक तिहाई 67 बनेगा, अगर होती है तो, है नहीं अभी भी, बनेगी तो इतने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, आई क्या बात समझ में। अरे क्लियर तो हो रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों, कहीं बोर तो नहीं हो रहे ना, समझ में तो आ रहा है ना कितना बढ़िया टॉपिक है, आज इसे क्लियर कर लो, आगे भविष्य में हमारे काम आएगा, ठीक है। आगे देखो, चुनाव या निर्वाचन, याद रखना 171 में ये बातें, जो कि चुनाव की प्रोसेस अप्रत्यक्ष चुनाव होगा 5/6 सदस्यों का, और मनोनयन होगा 1/6 सदस्यों का, जो कि कहने तो दिए 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकाय के सदस्य चुनेंगे, सरपंच, प्रधान, वार्ड मेंबर वो चुनेंगे, 1/12 सदस्यों को शिक्षक चुनेंगे जो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाते हुए 3 वर्ष हो गए हों, उसके बाद में 1/12 सदस्यों को छात्र चुनेंगे जिन्होंने 3 वर्षीय डिप्लोमा कर लिए, इनका एक निर्वाचक मंडल बनेगा। साथियों ज्यादा जोर मत डालना, जब हमारे राजस्थान में बनेगी ना तब हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अब हमारे राजस्थान में ये है ही नहीं, तो इसकी प्रोसेस हमें तो जैसी बुक के अंदर दे रखी है ना वैसे हमें तैयार करना होगा, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन बना दे, आई क्या बात समझ में, पल्ले पड़े कोनी पड़े साथियों, ठीक है ना। भारतीय राजव्यवस्था अब आपको इंटरेस्टिंग लग रही है ना, मजे आ रहे ना हमारे वीडियो देख करके, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अच्छी प्रकार से सुन रहे हो ये और साथ में देख रहे हो तो मेरे को जहां तक विश्वास है कि आपके ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखो, 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, अपने में से नहीं अलग से चुनेंगे, 1/3 को, ठीक है ना, एक तिहाई 33, जबकि 1/3 एक तिहाई, 1/12 का मतलब है 8 सदस्य, उसके बाद में 1/12 का मतलब 8 सदस्य चुनेंगे, 1/3 का मतलब 33 और 1/6 का मतलब है 16,
ठीक है ना, 16.66 आएगा। चलो उसके बाद देखो, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा, मनोनीत गौर करना, जो कि साहित्य विज्ञान कला सहकारी आंदोलन ये राज्यसभा में नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद में समाज सेवा, ये कर्म भी है इनका, याद कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। अंदरूनी क्वेश्चन है, ऐसा आ जाता है, और अगर आप करते हो तो ये मानो बहुतों को पीछे छोड़ जाते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों पे कोई गौर नहीं करता, बस सीधे ही नाम कर दे साहित्य विज्ञान कला में है बस। नहीं, यहाँ पे ये पांचों नाम याद कर लेना, क्रम से याद कर लेना, कभी ऐसा क्वेश्चन भविष्य में बने तो, जैसे इस बार फर्स्ट ग्रेड के राजनीति विज्ञान के पेपर में बनाया था, राज्यसभा वाले, राज्यसभा वाले चार नामों को क्रम से पूछा था, बहुत से तो वहां पे गोलमाल हो गए, ये मानो समझ में नहीं आया क्या होगा, ठीक है। और आगे देखो, योग्यता जो कि 30 वर्ष, विधानसभा में 25, इसमें 30 और राज्यपाल के लिए 35, ठीक है। उसके बाद में शपथ 188, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति, और राज्यपाल द्वारा नामित कौन हो जाएगा, सभापति हो जाएगा, वो दिलाएगा विधान परिषद के सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान अनुसूची 3 के अनुसार। कार्यकाल अनुच्छेद 172 में ध्यान रखना, ये एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं होता, विधानसभा का होता है सामान्य 5, और वैसे वो अस्थायी सदन है, कभी भी भंग हो सकता है। हाँ जी, ये कभी भी भंग नहीं होती, याद रखना विधान परिषद, लेकिन 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 समाप्त हो सकती है, जबकि राज्यसभा नहीं हो सकती। एक अंतर तो ये याद रखना है, और एक अंतर याद रखना है सभापति वाला, ये दो याद रखना। इसके अलावा जैसे राज्यसभा की संरचना है संसद में, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में विधान परिषद की है। अब तो बात क्लियर है ना, समझ गए ना, जैसे देश में राज्यसभा होती है उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद होती है, लेकिन कुछ ही राज्यों में है, सभी में नहीं है, केवल इन 6 राज्यों में ही विधान परिषदें बनी हुई है। द्विसदनात्मक विधानमंडल, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक विधायिका कह सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों में 2 सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। आगे देखो, अधिवेशन याद रखना 174, एक वर्ष में 2 होंगे जैसे विधानसभा के होते हैं, और याद रखना 6 माह से कम और ज्यादा का समय नहीं होगा, सेम वही बात है जो विधानसभा वाली बात है, आई बात में सेम वही बात होगी, गौर करना, जो कि 6 माह से कम और ज्यादा का समय नहीं होगा, ठीक है। आगे बात में चली रहे ना, हाँ जी चलो आगे। गणपूर्ति कोरम जो कि 189 वही है ध्यान रखना, जो कि 1/10 या कम से कम 10 सदस्य, और इनके तो 10 ही बनेंगे, क्यों 100 से ऊपर होना तब आप कह सकते हो कि 1/10 वाला नियम लगेगा, कहने का 10वां भाग, इसलिए यहां पे याद रखना। और गणपूर्ति को कोरम भी बोलते हैं, अधिवेशन के लिए कम से कम संख्या, न्यूनतम संख्या, उसे बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम, गणपूर्ति या कोरम, गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। वेतन भत्ता सेम वही 195 में याद रखना, जो कि समय समय पर विधानमंडल तय करेगा वो मिलेगा, जैसे विधानसभा के सदस्यों को मिलेगा वही विधान परिषद के सदस्यों को मिलेगा, अगले वर्ष में कौन करेगा, विधानमंडल तय करेगा, हाँ जी। उसके बाद में सभापति और उपसभापति, सदस्य अपने में से ही एक को सभापति और एक को उपसभापति बनाएंगे यथाशीघ्र, कोई समय नहीं है कि 1 महीने में 6 महीने में, नहीं, यथाशीघ्र लिखा हुआ है, चाहे वो विधानसभा वाला हो चाहे वो विधान परिषद वाला हो, अध्यक्ष कह दो, उपाध्यक्ष, सभापति कह दो या उपसभापति, जो अनुच्छेद 182 में है, वो 178 में था, और वैसे ध्यान रखना 182, 183, 184, 185 है ना, वो सभापति उपसभापति से संबंधित है, कि उनमें से कोई रहे ना रहे, अगर उनको हटाया जा रहा है तो वो भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, ऐसी बातें बताई गई है। और इनका वेतन है ना वो 186 में बताया गया, वेतन कितने बताए गए 186 में बताए गए, इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। 187 में सचिवालय बताया इनका, राज्य विधानमंडल के जो सदन है ना उनका सचिवालय होगा, एक एक सचिवालय होगा, वो 187 में नोट करना, अति महत्वपूर्ण है। 208 में इसकी नियम प्रक्रिया, विधानमंडल किस नियमों पे कार्य करेगा, जो कि विधानसभा अध्यक्ष है,
विधान परिषद का सभापति राज्यपाल को निर्देश देकर के नियम बनवाएंगे। तो नियम प्रक्रिया है विधान मंडल की, जो कि दोनों सदन आ जाएंगे। 210 के अंदर भाषा कार्रवाई की अंग्रेजी या हिंदी होगी। राज्य जो विधान मंडल है उनके सदनों की, जो विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो चाहे दोनों हो, ठीक है ना, तो उनकी कार्रवाई की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी या हिंदी होगी, ऐसा लिखा हुआ है 210 में। लेकिन याद रखना, सदन के जो अध्यक्ष है ना, चाहे वो आप कहोगे इसका सभापति, वो चाहे अनुमति दे तो सदस्य अपनी मातृभाषा में भी कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपने देखा 211 में कि विधानमंडल न्यायालयों की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहने वाला विधानमंडल है न्यायालयों से संबंधित निर्वधन होगा, चर्चा नहीं करेगा, कोई भी चर्चा नहीं करेगा, न्यायालय अपना काम करता रहेगा, विधानमंडल में उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, ठीक है। और 212 के अंदर, 212 में कहा है कि न्यायालय विधानमंडल की कार्रवाई की चर्चा नहीं करेंगे, उनको भी निर्वधन होगा, वो भी चर्चा नहीं करेंगे, दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आई के बस में एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और अति महत्वपूर्ण है ही 169 राज्यों की विधान परिषदों का उत्सादन या सर्जन संसद करेगी। हाँ साथियों, ये है आपके सामने अति महत्वपूर्ण, ठीक है। और ये लाइन तो जरूर तैयार कर लेना, सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, सदस्यों का कितना होगा 6 वर्ष होगा, और यह प्रति दो वर्ष बाद एक तिहाई 1/3 सदस्यों को रिटायर करती है और उनकी जगह नए आ जाते हैं। पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, याद रखना, ठीक है ना बात। तो यहां पे मेरे कहने का मतलब यही है कि सदस्य तो 6 वर्ष ही रहेगा, जैसे मान लो 2020 तो 2022 में, 2022 में ये एक तिहाई निकालेगी, ठीक है ना, एक तिहाई निकालेगी, फिर 2024 में निकालेगी, फिर 2026 में, फिर इन्हीं की बारी आ जाएगी। आई क्या बात समझ में? मैंने कहा था ना कि दोनों ही सम संख्या है, प्रति दो वर्ष बाद सदस्य तो 6 ही वर्ष रहेगा, राज्यसभा की तरह। अगर राज्यसभा आपने पढ़ी है विस्तार से तो सेम वही प्रोसेस होगी, बस एक तो ये समाप्त होती है वो नहीं होती, और एक ये धारणा उसका सभापति पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जबकि इसका सदस्य अपने में से चुनेंगे, क्योंकि राज्य में उपराज्यपाल पद की व्यवस्था ही नहीं है। ये बात तो वैसे ही क्लियर हो रही है आगे निवासन में। तो ये है आपके सामने विधान परिषद की संरचना, और ये मानो कि हमने राज्य विधान मंडल की संरचना पढ़ ली है, दोनों सदन जो कुछ ही राज्यों में है, विधानसभा हमने विस्तार से देख ली और विधान परिषद भी आज हमने विस्तार से देख ली। तो ये है राज्य विधानमंडल का, जो कि अगला जो टेस्ट होना है हमारा वो राज्य विधानमंडल का ही होगा, विधानसभा और विधान परिषद के टॉप 50 क्वेश्चन। साथियों हो जाओ तैयार, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। उत्तरों के स्पष्टीकरण को जरूर तैयार किया करो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ये 50 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसे साथियों मैंने पहले भी क्या कहा है कि भारतीय राजव्यवस्था के जो 15 टेस्ट सीरीज होगी वो ये मानो लगभग भारतीय राजव्यवस्था को कवर करेगी। अगर आप उसको तैयार कर लेते हो, कोई भी कंपटीशन दोगे तो आपके बहुत फायदा होगा, पूरा विश्वास है मेरे को, पूरी उम्मीद है मेरे को, ये मैं दावा भी करता हूं कि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा लगभग ये मानो हमारे जो क्वेश्चन है उन्हीं में से आएगा। हाँ, लैंग्वेज अगर चेंज हो जाए वो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये 15 टेस्ट सीरीज भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी जो टेस्ट सीरीज है उनको तो जरूर तैयार कर लेना, आपके आगामी भविष्य में जो भी कंपटीशन होंगे उनमें बहुत ही काम आएगी, ठीक है। तो आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? अगर बढ़िया लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरे साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपके साथ साथी है, सहेली है, फ्रेंड्स है, उन सर्किल तक जरूर पहुंचा देना कि होशियार जी सर के भारतीय राजव्यवस्था की जो महत्वपूर्ण क्लास है आप एक बार इसको देखो कि आपके कितना कैसे समझ में आता है। हमें पूरा विश्वास है, आप ये कह देना कि आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट, एकदम समझ में आ जाएगी ये क्लास, अपनी लोकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, ठीक है ना, एकदम क्लियर समझ में आ गई ना, पल्ले पड़ी को नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर, तब तक खुश रहिए।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। साथियों अपना भी और अपनों का ध्यान रखना, घर में रहना, सुरक्षित रहना, अपनी पढ़ाई को निरंतर कंटिन्यू जारी रखना। और नवरात्रा के दिन चल रहे हैं, जय माता दी, माता रानी अपनी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके साथियों।